लोकतंत्र में चुनाव को हमने लाइट नहीं लेना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा महापर्व है और इसलिए मेरा तो मत है कि उसको उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। उससे जैसे स्पोर्ट्स, उसका जब फेस्टिवल होता है, स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पैदा करते हैं, प्रतिस्पर्धा भी। जब खेल का मैदान होता है तो देखने वाले, खेलने वाले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो हमारे संस्कार बन जाते हैं। चुनाव का ये माहौल अगर हम उत्सव में पलट दें, लोकोत्सव बना दें, तो हमारी रगों में, डेमोक्रेसी आने वाली पीढ़ियों के रगों में वो संस्कार बन जाती है। और लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि लोकतंत्र ये सिर्फ संविधान की सीमाओं में नहीं बंधना चाहिए, हमारी रगों में होना चाहिए, हमारे संस्कार में होना चाहिए। और उस अर्थ में मैं 2024 को देखता हूँ, ये बात सही है कि हमारा 25 साल का विजन और उसमें मैंने बहुत काम किया है और ये आज कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। शायद मैं जब गुजरात में था तब भी इन दिशा में सोचता था। अब देखिए 2024 का चुनाव तो देश के सामने एक अवसर है कि एक कांग्रेस सरकार का मॉडल और एक बीजेपी सरकार का मॉडल, उनका 5-6 दशक का काम, मैं उनके लिए बहुत खुला मैदान छोड़ता हूँ, 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम। कंपैरिजन कीजिए, किसी भी क्षेत्र में कंपैरिजन कीजिए, अगर कुछ कमियां होगी तो भी हमारी एफर्ट्स में कमी नहीं रही होगी। दूसरा, मुझे 10 साल में 2 साल तो कोविड की लड़ाई में जाना पड़ा और आफ्टर इफेक्ट भी बहुत था, फिर भी आज हम कंपैरेटिवली देश को स्पीड कहो, स्केल कहो, सर्वांगीण विकास की बात करें तो वो कहें, सर्वसमावेशक विकास की बात कहें तो वो देखें, हर पैरामीटर पे आपको कांग्रेस के मॉडल से एक ऐसा मॉडल नजर आ रहा है कि हाँ इस रास्ते पर हम चलेंगे इतनी गति से, और गति और बढ़ानी है मुझे अगले टर्म में, गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है, तो वो तो मेरा लक्ष्य ही है। दूसरा, आप देखेंगे कि जब देश चलाने की देशवासी जिम्मेवारी देते हैं तो आपका सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए, देश, देश के लोग। दुर्भाग्य से पहले की राजनीतिक कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना, परिवार की जड़ों को कोई उखाड़ न दे, उसी में शक्ति लगाते रहे, जबकि मैं देश मजबूत इसी एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा हूँ, मेरी सरकार पूरी उस लक्ष्य को लेकर के काम रही है। और जब देश मजबूत होता है तो हर कोई उसका बेनिफिशियरी संतोष अनुभव करता है, कहाँ यार कुछ तो हो रहा है, मेहनत तो कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। तो 2024 ये चुनाव है और चुनाव का मैदान है, तो हम एक अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के गए हैं और वे अपने टैप रिकॉर्ड को लेकर के आए हैं,